आज हम उपमा को देंगे एक अनोखा सा ट्विस्ट और बनाएंगे ट्राइकलर चीज पॉप्स। ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी स्नैक्स या फिर स्टार्टर्स की रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमें लगेगा 1 कप उपमा। उपमा बनाने की रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। 1 पोर्शन के लिए हम 2 से 3 टेबलस्पून शेजवान चटनी लेंगे। बचे हुए पोर्शन के लिए हम 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसे हम 1 to 1.5 टेबलस्पून बचे हुए पोर्शन में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान में रखिए ये ज्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, अगर ये लिक्विडी हुआ तो प्रॉपर बॉल शेप्स फॉर्म नहीं होंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से चीज को हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके एक फ्लेवर के मिक्सचर को हम थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। बीच में हम उसके डालेंगे 1 चीज क्यूब। फिर हम ये पार्ट साइड में रख देंगे। दूसरे फ्लेवर के मिक्सचर को हम वैसे ही फ्लैटन करेंगे, दोनों को अच्छे से कंबाइन करेंगे और फिर हमें इसे अच्छे से बाइंड कर लेना है। और ध्यान में रखना है कि इसे अच्छे से बाइंड कर बॉल शेप देंगे ताकि इसमें से जब हम इसे फ्राई करेंगे तब चीज़ बाहर निकल कर ना आए। हमारे उपमा ट्राइकलर चीज़ पॉप्स फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसको चीज़ बर्स्ट वाला इफेक्ट देना है तो छोटे छोटे बॉल्स बनाइए और उसमें डिसेंट साइज़ का चीज़ क्यूब डालिए ताकि जब आप इसे फ्राई करो तो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे बटर लिए है 4 से 5। हम इसे अच्छे से पाउडर करेंगे इसे कोट करने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ब्रेड के साइड्स है तो उसे कट कर लीजिए, उसे तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और उसे ब्लेंड कर लीजिए। आपके ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट हमें लगेगा 4 से 5 टेबलस्पून मैदा, यानी कि ऑल पर्पज फ्लोर। हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे। हमें इसका एक थिक पेस्ट बनाना है। हमने तेल को मीडियम फ्लेम पे रखा है, वो एकदम बबलिंग हॉट हो गया है। हम एक चीज़ पॉप को लेंगे, उसे मैदे के पेस्ट में अच्छे से डिप कर लेंगे। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स या फिर बटर के क्रश किए हुए पाउडर में अच्छे से कोट कर लेंगे। एक्सेसिव जो कोई भी क्रम्स है उसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैदे का पेस्ट जो हमने बनाया है वो थिक ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रॉपरली कोट नहीं होगा और उसको अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। हमारा ट्राई कलर चीज़ पॉप फ्राई होकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो उसको कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। ये सिर्फ देखने में ही नहीं टेस्ट में भी ज़बरदस्त है। तो देखा आपने कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से हमने सिंपल से उपमा को ट्विस्ट देकर ये फ्लेवरसम चीज़ पॉप्स बना लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, इसमें इतने सारे फ्लेवर्स है, शेजवान चटनी, पुदीना चटनी, प्लस वो जो चीज़ बर्स्ट का मज़ा है वो तो मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकती। आप इसे ट्राई कीजिए तभी आप इसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उपमा बना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की यूनिक ट्राई कलर चीज़ पॉप्स वाली रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इस रेसिपी को आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यूनिक रेसिपीज के अपडेट्स पाते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए।